वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। और आज मैं रिव्यू कर रही हूँ एम के फिन के प्रोडक्ट्स, जो कि एक विंटर सेट था। तो इसमें मेरे को ओवरऑल 7 प्रोडक्ट्स मिले थे। और एक्चुअली उससे पहले मैं एम के फिन का रिव्यू चेक कर रही थी, तो मुझे कोई भी जेन्युइन रिव्यू या वीडियो इसके रिलेटेड नहीं मिली थी। देन आई थॉट कि मुझे पहले खुद ही ख़रीद लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, उसके बाद आई विल रिव्यू द प्रोडक्ट्स। तो मैंने ये पूरा एक विंटर केयर सेट है, तो मैंने ये पूरा सेट लिया था कुछ 1800 में, जो कि मुझे 30% डिस्काउंट के बाद मिला था। एंड इसमें बेसिकली 7 प्रोडक्ट्स है और 2 शॉट्स वो आपको फ्री देते हैं। लाइक अगर आप बॉडी सेट ले रहे हैं तो आपको फेस शॉट्स फ्री मिलते हैं, और अगर आप फेस किट ले रहे हैं तो वो आपको कुछ भी बॉडी शॉट्स वगैरह कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री देते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द रिव्यूइंग द प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट। दिस वॉज एम कैफेन बॉडी बटर, और ये मुझे मिला था लाइक कितना ml था ये, कुछ 250 ग्राम था ये। और आप देख सकते हैं, मैं ऑनेस्ट रिव्यू कर रही हूँ, मैंने पूरा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ठीक है, तो क्योंकि आई वॉज लाइक के फाइन, कम से कम एक बॉटल यूज़ करके आप कुछ लाइक रिव्यू कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो इसलिए मैंने पूरे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट यूज़ करने के बाद मैं जेन्युइनली रिव्यू कर रही हूँ। एंड द सेकेंड प्रोडक्ट वॉज दिस एम कैफेन फेस सरम। सब प्रोडक्ट्स बेसिकली कैफेन है, तो कॉफ़ी के ही सब प्रोडक्ट्स हैं इसमें। तो ये भी, इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी वैसे, 40 ml था, लेकिन ये थोड़ा सा लाइक आई कैन से नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए सूट करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको मे बी ये थोड़ा टाइम बाद फेस पे ड्राइनेस फील करा सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करती थी, इसको लगाने के बाद मैं कुछ भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती थी। वैसे सरम के बाद लगा लेना चाहिए, बट बाकी सरम अगर मैं अपने ड्राई स्किन के लिए यूज़ करती हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट हाँ, इसको यूज़ करने के बाद आपको कुछ भी मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। एंड गाइस, थर्ड प्रोडक्ट इज़ दिस, दिस इज़ द हैंड क्रीम। क्वान्टिटी वाइज सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मस्त है। सबकी क्वान्टिटी कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत थोड़ी सी है या पूरे, मतलब मैंने सारे प्रोडक्ट्स पूरे महीने यूज़ किए हैं, मे बी मोर देन अ मंथ, और अभी भी ऑलमोस्ट सब बचे हुए हैं। सो दिस इज़ द हैंड क्रीम, और इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, दिस इज़ द हैंड क्रीम, और आई एम यूजिंग इट एवरी नाइट, देन मैं इसको यूज़ नहीं करती। बट जो कई बार आपके हाथों में ड्राइनेस या फिर जो रैश टाइप कट जैसा कुछ फील होता है ना कुकिंग वगैरह से, एक्चुअली ये वर्क करती है। बट इसका मुझे एक छोटा सा ड्रॉबैक लगता है कि मैं इसको मेरे हैंड बैग में नहीं कैरी कर पाती, क्योंकि उसके हिसाब से थोड़ी बड़ी है पैकेजिंग। तो नॉर्मली आप घर में इसको यूज़ कर सकते हैं, नो एन इशू। एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज दिस, दिस इज़ एम कैफेन बॉडी स्क्रब। अगेन इसकी भी क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी थी, 100 ग्राम का ये स्क्रब था, और ये आई कैन से मेरे हिसाब से मैं इसको वीक में लाइक दो बार यूज़ करती हूँ, तो 4 स्पून काफ़ी हो जाते हैं। 4 स्पून आप फुल बॉडी स्क्रब इससे कर सकते हैं। एंड क्योंकि इसमें कुछ कोकोनट ऑयल ही ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने ऐड किया, तो ड्राइनेस नहीं आती जो स्क्रब के बाद लगता है कि ईचिंग है या कोई ड्राइनेस है, कुछ नहीं होता है। बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट है, मतलब कॉफ़ी बटर और ये स्क्रब, तो यू कैन से ये मेरे फेवरेट्स में है, और ये भी काफ़ी बचा हुआ है। आई थिंक मेरा तो ये 2 मंथ्स चल जाएगा आराम से। एंड उसके बाद 5th प्रोडक्ट, दस गाइस, ये मेरा फेवरेट है। फेवरेट का रीज़न बताती हूँ, सी दिस कॉफ़ी बीन्स इनसाइड द ऑयल, दस इज़ द रीज़न कि ये मेरा फेवरेट है। और ये पॉलिशिंग ऑयल है बेसिकली, इसका पर्पज़ मैं आपको बताती हूँ। लाइक जैसे आप स्क्रब करने वाले हैं, जो उन्होंने मेरे को मेंशन किया हुआ था, एक कार्ड था उसमें सब उन्होंने डिटेल्स दी हुई थी, तो आपको अगले दिन अगर स्क्रब करना है तो आप पहले इससे बॉडी पॉलिश कर सकते हो, उसके बाद आप स्क्रब करें, तो एक शाइन ऐड करते हैं, प्लस कोई भी ड्राइनेस आपको नहीं लगती और बहुत स्मूथली आप स्क्रब कर पाते हैं। तो इसका काफ़ी बेनिफिट है, लेकिन क्योंकि मेरा बॉडी बटर ख़त्म हो गया तो अब मैं इसको नाइट में डेली यूज़ कर रही हूँ लाइक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, तो करता है। बहुत ज़्यादा अब मैं नहीं बोलूँगी कि ग्रीसी है या कुछ है, नॉर्मल है, आपकी ड्राइनेस कम हो जाती है, बट उतना अच्छा मॉइस्चराइज ये नहीं करता है अगर आप मॉइस्चराइज़र की जगह इसको यूज़ करते हैं, बट हाँ शाइन ज़रूर ऐड करेगा। सो गाइस, दिस इज़ माय 6th प्रोडक्ट, यस यू कैन सी इट, कॉफ़ी मास्क। ये मैं आपको जेन्युइनली बोलती हूँ, ये मैंने 2 या 3 बार यूज़ किया है, और इसके साथ आया था ये क्यूट सा स्पैचुला अप्लाई करने के लिए। इसमें
इसमें मुझे कुछ फील होता है कि कुछ ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ तो एक दो बार जब मैंने अप्लाई किया तो लगता है कि जैसे आपको ब्लीच अप्लाई करने के बाद लगता है वैसे ही कुछ इसको लगा के फील होता है, बट मॉइस्चराइज़ करता है डेफिनेटली। आपको लगाने के बाद जब भी आप रिमूव करते हैं ऐसा लगता है कि आपने प्रॉपर फेशियल अपनी स्किन को दिया है। सी बहुत क्रीमी एंड इट स्मेल्स ऑसम, द प्लस पॉइंट। एक्चुअली इसके सारे प्रोडक्ट्स की स्मेल इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक है कि आप जब ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपको लिटरली अपने रूम में से, अपने एनवायरमेंट्स में से कंटिन्यू कॉफ़ी फ्रेगरेंस आती रहती है। सो आई लव दिस थिंग अबाउट द एम कैफीन प्रोडक्ट्स। एंड गाइज ऑल्सो आई विल लेट यू नो कि जब मैंने ये विंटर केयर सेट लिया था तो उन्होंने जो मुझे दो शॉट्स दिए थे उसमें एक फेस स्क्रब था और एक फेस वॉश था, 10 ग्राम ईच था। तो मैंने यूज़ किया वो एंड दोनों चीज़ें अच्छी हैं। लाइक स्क्रब में थोड़ा सा मुझे लगता है कि और लाइक दैट हार्ड पार्ट होता है ना जो एक्चुअली स्क्रब करता है वो थोड़ा सा माइल्ड साइड पे है, बट ऐसा भी नहीं है कि स्क्रब नहीं करता है। सो इट वॉज़ जेन्युइन, वो ख़त्म हो चुका है अभी। मैम आई एम थिंकिंग कि मैं वो लाइक बड़े साइज़ में ऑर्डर करूँ, तो मैं उसको कंटिन्यू यूज़ करके उसके बाद आई विल रिव्यू दोज टू थिंग्स एज वेल। एंड फेस वॉश तो ऑसम है, वो इतना क्रीमी है कि अगर आपको आप उसको नॉर्मल ड्राई फेस पे अप्लाई करते हो तो वो आपको तब भी एक अच्छा फॉर्म देता है, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आती है। एंड दैट फ्रेगनेंस इज़ ऑल्सो ऑसम एंड डीप क्लीन करता है फॉर श्योर। और उसके बाद फेस वॉश करके आपको लगता है कि आपका फेस थोड़ा नरिश हो गया, थोड़ा अंदर से क्लीन हो गया। बहुत टाइम बाद मुझे कुछ प्रोडक्ट्स मिले हैं जो कि एक्चुअली पॉपुलर भी हो रहे हैं और जेन्युइन भी हैं। अदरवाइज़ मैंने एक दो प्रोडक्ट्स और लिए देख के कि हाँ चलो ये ब्रांड ट्रेंड में है या इस ब्रांड के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट थे, बट उतना जेन्युइन मुझे कुछ नहीं लगा जितना जेन्युइन मुझे एम कैफीन के सारे प्रोडक्ट्स लगे। सो डेफिनेटली यू कैन गिव देम अ ट्राई। एंड गाइस अगर आपको और वीडियोस चाहिए, रिव्यू वीडियोस चाहिए या फिर कुछ भी बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।